हेलो, नमस्ते एवरीवन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज अ नीड ऑफ द आर एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, विच इज योगा फॉर किड्स। ओके, सो अगर हम लोग किड्स योगा की बात करते हैं तो बच्चों के लिए, योग के लिए कौन सी एज सबसे अप्रोप्रिएट है, ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है। सो टू बिगिन विथ, आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर के बी के बच्चे अगर आप देखें तो 2.5 साल से लेके बच्चों में बच्चों 2.5 साल के अगर भी बच्चे हैं तो उनमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको आ जाती है। ओके, कंपैरेटिवली पहले आप बच्चों में देखते थे या आप खुद जब भी बच्चे थे तभी, आप जब भी 2.5 3 5 साल के थे तो आप में जो फर्क है और अभी के जो बच्चों में फर्क है वो बहुत ड्रास्टिक है। ओके, दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है। सो आई फील के जब भी हम बच्चों को योग की बात करते हैं कि कभी उनको योग कराना चाहिए, सो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि योग उनके माता पिता के जीवन में उससे पहले आना चाहिए। सो आइडियली योगा फॉर किड्स शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन इन द पेरेंट्स लाइफ। ओके, क्योंकि हम जब भी योग की बात करते हैं तो सिर्फ आसन या सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम योग एज अ डिसिप्लिन, योग एज अ संस्कार की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इट स्टार्ट इन पेरेंट्स लाइफ, बिफोर दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू कंसीव। देन आफ्टर दे कंसीव वी ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भ संस्कार और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर द प्रेग्नेंट लेडी इन द वूम। सो एक्चुअली वो अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी में एनी फॉर्म ऑफ योगा प्रैक्टिस कर रही है, वेदर इट इज मेडिटेशन और प्राणायाम और मंत्र और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सो ये सब इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो बच्चे को उसका फर्क पड़ रहा है। सो इसीलिए वहां भी योग बहुत ही जरूरी है। देन वंस द चाइल्ड इज बॉर्न, ओके, आफ्टर दैट उसको बेसिक, सो हम लोग योग डज मीन कि हमको उनको डे वन को आसन कराने हैं, बट जो भी योग के प्रिंसिपल है वो डे वन से उनकी लाइफ में बिगिन होने चाहिए। ओके, जैसे कि मंत्र योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सो डे वन से उनको कराना है। देन उसके बाद अगर हम लोग एक्चुअल योगा क्लास की बात करें तो उसमें भी हर एक पड़ाव के एज के हिसाब से उनकी जो जरूरियात है, जैसे कि अगर प्री स्कूल के बच्चों की बात करते हैं कि 2.5 3 साल में बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं, सो अर्ली चाइल्डहुड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एनी वंस लाइफ, कि वो जो 5 6 साल हैं, कि जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे एकदम ब्लैंक स्लेट है, आप चाहो वो तरह से आप उनके ऊपर लिखाई कर सकते हो, यू कैन मोल्ड देम इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट। सो ये जो गोल्डन पहले 6 साल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल उनकी बॉडी, उनमें संस्कार पड़ रहे हैं, क्योंकि जो चाइल्डहुड में जो संस्कार पड़ जाते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं एंड उसके ही प्रभाव हमको अडल्टहुड में भी देखने को मिलते हैं। सो इसीलिए आप बच्चों को उनके एज के हिसाब से, उनकी जरूरियात के हिसाब से 2.5 3 साल से भी योगा करवा सकते हैं। ओके, बट उसमें क्या करवाना वो अलग बात है। हम लोग उनको एडवांस आसन से शुरू नहीं कर सकते, बिफोर 8, देन बिफोर 8 हम लोग उनको प्राणायाम नहीं करवा सकते। ओके, बट जो भी करवा सकते हैं तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको करवा सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर चिल्ड्रंस लाइफ, क्या महत्व है उसका इन टूडेज वर्ल्ड, सो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखते हैं कि उनके शारीरिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योगा कैसे हेल्प करेगा। सो योग से जो आसन है योग में, उसमें ऐसे ऐसे आसन है कि जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हमको हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमको फिट रखते हैं, हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो बच्चों के लिए, उनके ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी है, उनकी अच्छे से ओवरऑल इंटरनल हेल्थ बनी रहे। जो बच्चों में जो चेंजेस हो रहे हैं हर एक पड़ाव पे, वो चेंजेस को डील करने के लिए योग एज अ आसन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम एज अ साइकोलॉजिस्ट विच आई एम सीइंग
इज आजकल के बच्चे खाते नहीं है, उसमें हाइट का, अटेंशन का, कंसंट्रेशन का, ऐसे बहुत सारे इश्यूज बचपन से ही देखने मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि अभी लेटर एज में बच्चों के ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। इवन फ्रॉम द चाइल्डहुड, जैसे प्री स्कूल में बच्चा है उसमें भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज दिख सकते हैं। अनदर वेरी कॉमन इज द हाइपर एक्टिविटी, के बच्चा एकदम चंचल है, ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो हमको एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ अडल्ट, हमको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए बच्चों के रिलेटेड का प्लान बनाना चाहिए कि जो उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, एज अप्रोप्रिएट है। सो फिजिकल लेवल पे तो उनका आसन से ओवरऑल जो ग्रोथ होगा वो तो वंडरफुल है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ब्रीदिंग लेवल, क्योंकि बहुत से बच्चों में ब्रीदिंग के रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे उनका ब्रेथ अवेयरनेस इंप्रूव हो, उनका ब्रीदिंग डीप हो, कि वो राइट वे में ब्रीदिंग कर पाए। तो ये सब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है, बच्चों में भी, बड़ों में भी। वी अंडरस्टैंड कि हमारा फूड, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा अन्न, ये हर एक चीज कनेक्टेड है। हम जैसा खाएंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। इवन हमारी सांस और हमारा माइंड, वो भी बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे हमारा ब्रीदिंग होता है वैसे ही हमारा मन चलता है। चले वातम चले चित्तम, अगर हमारा ब्रीदिंग बहुत फास्ट है तो हमारा माइंड भी बहुत फास्ट हो जाएगा। सो ब्रीदिंग अगर स्लो है तो हमारा मन भी शांत और स्लो डाउन हो जाएगा। सो देयर इज अ कनेक्शन इन योगा फॉर ब्रेथ एंड माइंड ऑल्सो। इसीलिए जो ये ब्रेथ वर्क है ये बहुत जरूरी है बच्चों में, बहुत इम्पोर्टेंस है उसका, कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। और कैसे वो उनको और फर्दर मेंटली हेल्प करेगा। देन अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योगा फॉर किड्स इज द मेंटल हेल्थ। ओके, तो मेंटल हेल्थ की बात करें तो आजकल बहुत सारे प्रश्न है जो ज्यादा मानसिक लेवल पे है, कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो डायग्नोस हो रहे हैं अर्ली एज में, जैसे एडीएचडी है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में हो रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट है, मेमोरी इश्यूज है। आई थिंक उसके हर एक के बेस में हम लोग देखते हैं तो आजकल बच्चे हैं वो कनेक्टेड नहीं है। ओके, दे आर वेरी मच लॉस्ट, दे डोंट मतलब वो कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो माइंडफुली नहीं कर रहे हैं। वी आर इन दिस फास्ट पेस ऑफ वर्ल्ड, वी हैव टॉट देम सो मेनी थिंग, मल्टीटास्किंग हमने उनको सिखा दिया है। जैसे अगर कोई भी बच्चा बेचारा बचपन से ही उसको हर एक चीज हम लोग बोलते हैं कि फास्ट कर, फास्ट कर, चलो जल्दी जल्दी ब्रश करो, जल्दी जल्दी ये करो। सो वो अभी वो ये फास्ट पेस ऑफ लाइफ में उसको एडजस्ट होने के लिए उसने इतना खुद को अपने आप को फास्ट बना लिया है। दिस इज अ फास्ट फूड लाइफ, फास्ट लाइफ स्टाइल, फास्ट म्यूजिक, फास्ट डांस, इवन योगा में भी पीपल वॉन्ट्स फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, सो इस वजह से बच्चों की जो फास्टनेस है, इट इज नॉट देयर मिस्टेक, बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। तो इसी वजह से उनका जो ब्रेन है वो बहुत चंचल हो गए हैं, बहुत ही हाइपर हो गए हैं। ओके, सो हमको ये भी पता होना चाहिए एज अ अडल्ट कि बच्चों में व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज ओवर एक्टिव एंड व्हाट इज हाइपर एक्टिव एंड व्हाट इज फर्दर डिसऑर्डर, क्योंकि हर एक में अंतर है। सी, बच्चे नेचुरली मस्ती करेंगे, वो नेचुरली एक्टिव होंगे, दिस इज एक्चुअली देयर ट्रू नेचर। ओके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड आपके क्लास में आके वो ऐसे ही बैठा रहे, कुछ बोले ना, एक जगह पे बैठे, वो दिस इज नॉट फन। एंड इफ यू एक्सपेक्ट दैट, दैट इज नॉट राइट ऑन योर पार्ट। ओके, अगर कोई बच्चा ऐसे बैठ रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो बच्चे तो दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर फुल ऑफ एक्टिविटी, प्लेज देयर फूड। ओके, तो ये सब चीजों को मिलनी चाहिए, बट बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग, लॉट ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हैज कम, पीपल आर चिल्ड्रन आर स्पेशली सिटिंग ऑन द गैजेट्स ऑल द टाइम, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। ओके, सो उनके जो स्क्रीनिंग आवर्स है वो भी बढ़ चुके हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, सोशल जो कनेक्शन है जो उनको एक्चुअली प्ले से मिलता था, जो प्ले था उसके मतलब जो उनका खेलना है, दैट इज एक्चुअली मेन फूड एंड मेन पार्ट इन चिल्ड्रंस लाइफ, क्योंकि उससे उनका IQ, SQ, हर एक चीज, आपको कोई अलग से उनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं करना पड़ता था। बट अभी बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर्स एंड कॉम्पिटिशन्स एंड मल्टीटास्किंग, डूइंग सो मेनी थिंग्स, बच्चों की लाइफ में अभी एक एक ऐसी क्षण भी नहीं है कि वो जस्ट शांति से बैठ सके या कुछ नहीं कर सके।
ओके okay, क्योंकि हम लोग ये भूल चुके हैं कि कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है. एवरी टाइम चाइल्ड इज डूइंग समथिंग. सो ऐसे जो अभी जो चल रहा है उसमें योग कैन बी अ वंडरफुल टूल टू एक्चुअली मेक देम कनेक्ट टू देम सेल्फ. ओके, क्योंकि जो आजकल जो एब्सेंट माइंडेडनेस बढ़ गया है कि भूल जाते हैं क्या चीज कर रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर लॉस्ट. ओके, देर इज नो गोल. सो ये सब चीजों के लिए योग एक डायरेक्शन देता है, योग एक डिसिप्लिन लाता है. योग का मेन पर्पस है कि हम खुद से कनेक्ट हो पाए. ओके, बाकी की जो प्रैक्टिसेस है जैसे धारणा है, ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो सब तो आता ही है, बट उसके पहले हमको जो कनेक्शन चाहिए, जो कंसंट्रेशन चाहिए, जो माइंडफुलनेस चाहिए, वो धीरे 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 बच्चों की लाइफ में हमको इनबिल्ट करनी पड़ेगी. क्योंकि कोई भी मन है जिसको हमने फास्ट मूव पे ट्रेन किया है कि वो फास्ट हो जाए, उसको ही अभी स्लो डाउन करने के लिए भी हमको रिवर्स उसका चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे माइंड थोड़ा वो लेवल पे आए और धीरे 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 वो ध्यान के लिए या धारणा के लिए जो फर्दर डेवलप हो. तो उसके लिए बहुत सारी ऐसे माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे वो खुद के साथ कनेक्ट हो पाएगा, नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएगा. एंड ब्यूटी ब्यूटी ये है योगासन भी कि आसन में बहुत सारे जो पोजेस हैं वो नेचर ओरिएंटेड है. आइदर दे आर एनिमल्स और दे आर बर्ड्स. ओके, कोई भी नेचर का जो क्रिएशन है उसमें से है. सो इससे वो लोग धीरे धीरे नेचर के साथ भी सेंसिटिव हो पाएंगे, एनवायरमेंट के साथ सेंसिटिव हो पाएंगे, एंड विद दैट खुद के साथ सेंसिटिव हो पाएंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट कि वो धीरे धीरे क्योंकि आजकल सोशल डेवलपमेंट में अगेन वन मोर वेरी कॉमन कंप्लेन इज कि वो लोग किसी से बात नहीं करते हैं. आइदर दे आर वेरी शाय और दे आर ओवर एक्टिव वेर दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट. ओके, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं आजकल. छोटे छोटे बच्चे आके बोलते हैं, मैम आई एम डिप्रेस्ड. ओके, आई एम डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेशन का वर्ड भी नहीं पता है, बट दे जस्ट से आई एम डिप्रेस्ड. ओके, सो ये जो चीजें हैं कि हम लोग एक्चुअली उनको कौन सी दिशा में हमको उनको डाइवर्ट करना, कैसे उनको मोल्ड करना, ये सब जो इंडियन ट्रेडिशनल विजडम है कि क्या खाना चाहिए, क्या कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फंडामेंटली जो रॉन्ग चल रही है या मिसिंग है. वो योग आई थिंक इज अ वेरी गुड आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन जो अभी तक उसके आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं. सो इसीलिए स्टार्टिंग विद पेरेंट्स उनकी लाइफ में तो आना ही चाहिए, बट बच्चों की लाइफ में ये सब फॉर्म को, पर्सनालिटी ये सब लेवल पे डेवलप करने के लिए ये सब फॉर्म में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तो बहुत ही जरूरी है. अनदर वेरी मच इम्पोर्टेंट बेनिफिट एट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो कि जैसे जैसे अटेंशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छे से इम्प्रूव होता है. सो हमको किसी को ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसको रोट लर्निंग या स्काई इज ब्लू, बट उसकी अंदर की क्रिएटिविटी कैसे एनहेंस हो कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको जान पाए, उसको बाहर ला पाए, उसके लिए भी योग का वंडरफुल रोल है. सो ऐसे नहीं है कि एक दिन कोई बच्चा योगा करेगा तो ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी. इट्स अ जर्नी, बिकॉज योग इज अ जर्नी. एक्चुअली पहले लोगों की इट वॉज देयर लाइफ वॉज योगिक, दे वर नॉट डूइंग योगा. आज हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम योग करते हैं. ओके, 1 घंटा ऑन द मैट, हम लोग योगिक वे में जीते नहीं है. सो योगा डजेंट मीन डूइंग आसन 1 आवर और डूइंग मेडिटेशन. ओके, हर एक कर्म को, हर एक एक्शन को अगर हम अवेयरनेस के साथ करते हैं, अगर हर एक एक्शन को हम लोग विथ 100% रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस से करते हैं, तो वो योग में कन्वर्ट होता है. क्योंकि वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ योग इज योगा कर्मशु कौशलम, वॉट एवर यू आर डूइंग. सो ये चीज बच्चों के लाइफ में लाना कि वो जो भी एक्शन करते हैं अगर वो योगिक हो जाए, ओके, सो दैट विल ब्रिंग इमेंस चेंजेस इन देयर ग्रोथ, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड दे विल बी अ वेरी हेल्दी फ्यूचर सिटीजन. तो ये नीड ऑफ द आर है कि हम बच्चों के जीवन में एकदम इंटरेस्टिंग फॉर्म में योग लाए, उसको बोरिंग भी नहीं बनाना है, इतना अच्छे से वो इनकलकेट करे उनकी लाइफ में कि उनको वो करने का मन हो. ओके, उनको इतना पेवे फॉर्म में या उनके लाइफ में, मतलब आप उनको अगर आजकल जैसे बच्चों को मैं पूछती हूँ आप योगा करेंगे तो वो मुंह बनाते हैं, नो आई डोंट लाइक योगा.
ओके, बिकॉज शायद उनको वो वे में प्रेजेंट नहीं हुआ है या एक्चुअल उनको मतलब नहीं समझा है योग का. ओके, सो व्हेन आई डू योगा विद किड्स, आई यू नो दिस अ सिंपल थिंग यू कैन ऑल्सो टेल योर किड्स कि जब भी आप टीवी देखते हो तो वॉच 100%, आप जब भी खाना खा रहे हो तो वॉच इट 100%, डोंट डू टू थिंग्स टुगेदर. जैसे आजकल कॉमन है कि बच्चे मोबाइल को देख के खाना खा रहे हैं, टीवी को देख के खाना खा रहे हैं, सो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो लॉस्ट है. उनको पता भी नहीं चलता कि वो कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं. ओके, मतलब मम्मी मुंह में डाल रही है, वो बच्चा मोबाइल पे है, जब तक कुछ चालू है शो तब तक वो खा रहे हैं, जब भी वो शो कंप्लीट हो गया उनकी भूख कंप्लीट हो गई, फिर बोलेंगे नहीं बस अभी मेरे को नहीं खाना है. बहुत से बच्चे पूछते भी हैं, वो खा लिया वो अवेयरनेस भी नहीं है, तो पूछते हैं क्या मैंने आज खाया खाया था, क्योंकि देर इज नो अवेयरनेस, दे आर जस्ट वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मोबाइल, प्लेइंग गेम्स एंड ईटिंग. सो वहां से हमको एक्चुअली योग की शुरुआत करनी है कि आप जो भी खा रहे हो वो माइंडफुली खाओ, एक जगह पे बैठ के प्रेयर बोल के आपके हाथों से आराम से वो टेस्ट को फील करके अगर आप खा रहे हो या उनको खाना सिखा रहे हो, देन एक्चुअली दे आर डूइंग योग देयर. ओके, इट इज वन बिगिनिंग स्टोन जो उनको फर्दर बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहे हैं. ओके, ऐसे कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो डे टू डे आप बच्चों को करवा सकते हो कि जिससे उनका मन, उनकी अवेयरनेस एक पॉइंटेड रहे. ओके, ये सब ऐसे ही नहीं होगा, इसको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा इन डे टू डे लाइफ, देन इट विल शो एज अ बिग यू नो ट्री जो हम लोग रूट इसमें डालेंगे, एज अ संस्कार पार्ट, एज अ योग, एज अ डिसिप्लिन पार्ट. सो वो फिर फ्रुक्टिफाई होगा इन वेरी वेरी डिफरेंट फॉर्म्स, एंड वो बहुत ही जरूरी है फॉर फ्यूचर सिटीजन्स, जो आज बच्चे हैं, जो कल बनने वाले हैं, जो अब एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करेंगे. सो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए. ओके, आप भी खुद इसमें इंटरेस्ट लीजिए कि आप बच्चों की लाइफ में कैसे योग को इंट्रोड्यूस कर पाए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर. अगर आप योगा टीचर हैं तो आई फील कि आप भले कितने बड़े लोगों को योगा सिखा लो, बट टेक वन चाइल्ड इन योर लाइफ विच यू यू नो होम यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि योग में ये शक्ति है. एंड दिस वी हैव सीन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन से दिस कि एज अ साइकोलॉजिस्ट यू नो आई हैव मेनी मेनी किड्स हु कम फॉर द हाइपर एक्टिव इश्यूज, जो अटेंशन प्रॉब्लम है, एक जगह बैठते नहीं है, या बहुत शाय है, या बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सैड टेंडेंसी है, मूड स्विंग्स है. सो ये सभी के लिए मैंने देखा है कि योग का एक बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों एक्सट्रीम वालों को वो बीच में लाता है. ओके, क्योंकि योग में एक्टिव भी है और पैसिव भी है. ये जो योग का जो फॉर्म है, एक्टिव एंड पैसिव, एंड ऑल्सो ब्रेथ वर्क, ऑल्सो माइंड वर्क, ऑल्सो बॉडी वर्क, ओके कनेक्टिविटी वर्क, तो ये सभी चीजें जो हैं वो ओवरऑल एक साथ में मिलके काम करती है. ओके, एंड धीरे 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 वो बच्चों में बहुत ही जब भी डीप उतर जाती है, इट विल शो इन अ वंडरफुल रिजल्ट्स. ओके, मैंने ऐसे कितने बच्चे देखे हैं जो बहुत ही हाइपर एक्टिव थे, जो योगा क्लास में भी नहीं बैठते थे, एक मिनट जगह पे नहीं बैठते थे, वो आज एक एक मिनट, 5-5 मिनट आंख बंद करके एक जगह पे बैठते हैं. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो योग से पॉसिबल है. ओके, सो आप भी ये चीजों को बिलीव कीजिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, एंड आपके बच्चों को डेफिनेटली इसको इंट्रोड्यूस कीजिए. दिस इज अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि योग की जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, देन वी टॉक ऑफ ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, कर्म योग. ओके, कितना सारा है योग का खजाना, तो इसमें से हम कितनी सारी चीजें बच्चों के साथ कर सकते हैं. ओके, अलग अलग एक्टिविटी से उनके लेवल पे जाके. सो ये हमको इंटरेस्टिंग भी बनाना है उनके लिए, एंड ऐसे ना हो कि वो यू नो उनके लिए बस ऐसे आप बैठे हो, आप उनको करा रहे हो और उनको एकदम कंटाला आ रहा है, तो उनके फॉर्म में आप कराइए. सो हम जब भी बच्चों को योगा करवाते हैं तो बहुत सारी उसमें फन एक्टिविटीज होती है, जैसे योगिक गेम्स हो गई. ओके, योगिक गेम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कितने सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम गेम ले सकते हैं. कि जैसे माइंडफुलनेस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, उनके इमोशनल क्वोशन के लिए, क्योंकि आजकल सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, आईक्यू के ऊपर बहुत लोग फोकस कर रहे हैं बट ईक्यू के ऊपर बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं, और वो ही आज मेन कल्प्रिट है स्ट्रेस का,
क्योंकि हम लोग जो परसीव करते हैं सिचुएशन को, चीजों को, ओके, दैट इज बिकॉज हाउ वी सी थिंग्स एंड हमारे इमोशंस उसको गवर्न करते हैं कि हम कोई चीज को कैसे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और फिर वो कन्वर्ट होता है फर्दर. अगर जो चीज मेरे को पसंद है मेरे पास नहीं है तो मेरे को जेलसी होगी, किसी और के पास है मेरे को गुस्सा आएगा. ओके, बहुत बार हमको हमारे इमोशंस का नाम ही नहीं पता होता कि हमको एक्चुअली हो क्या रहा है. ओके, हमको किसी ने बैठ के बताया ही नहीं है. हमको इमोशंस की, अगर मैं आपको वोकैबुलरी पूछूं तो आपके बहुत लिमिटेड इमोशंस की वोकैबुलरी आपके पास होगी कि आप फिंगर टिप पे काउंट कर पाओ. बट सच में हम इतने ही इमोशंस के थ्रू जाते हैं पूरे दिन में या हमारी लाइफ में? नहीं. ओके, हम कितने सारे इमोशंस के थ्रू गुजरते हैं जिसके आधे तो हमको नाम भी नहीं पता है. सो जब हम उनको लेबल ही नहीं कर पाते तो हम उसको कैसे प्रोडक्टिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे? सो ये जो ईक्यू का पार्ट है, जो इमोशन क्वोशेंट है, जो बहुत ही जरूरी है आजकल, जो स्ट्रेस आजकल बच्चों की लाइफ में बढ़ रहा है, उसको भी योगा बहुत अच्छे से डील कर पाता है. तो ऐसे बहुत सारी गेम्स के फॉर्म में हम ईक्यू पे वर्क कर सकते हैं, उनके सोशल क्वोशेंट पे वर्क कर सकते हैं कि कैसे उनमें लीडरशिप क्वालिटी बढ़े, कैसे उनमें लोगों के साथ वो मिलजुल के साथ में काम कर पाए, कैसे वो अडॉप्ट हो पाए, कैसे वो एडजस्ट हो पाए. तो ये सब भी जरूरी है. हाउ दे कैन वेट फॉर दैट टर्न, हाउ कैन दे बी पेशेंट, क्योंकि आजकल बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ है. अगर सिंगल चाइल्ड है तो बहुत ज्यादा अटेंशन उसको मिलता है, तो उसको पता ही नहीं है कि ग्रुप में कैसे मिक्स होना. ओके, पहले जैसे बहुत सारे बच्चे थे, या अगर बच्चे खेलते हैं ग्रुप है तो वो ये सब चीजें सीखते हैं, बट अगर कोई बच्चा है जो अकेला है, पूरा दिन घर पे मोबाइल पे है, टीवी पे है, कोई सोशलाइजेशन नहीं है, तो ये सब चीजें उसकी लाइफ में मिसिंग होती है, वो भी योग लेके आता है. सो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एसक्यू ऑल्सो, विच इज अ सोशल क्वोशेंट, एंड धीरे 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 करके फाइनली इट ब्रिंग्स अ स्पिरिचुअलिटी इन चाइल्ड्स लाइफ. ओके, कि अभी जो ये प्रश्न है, जो बड़ों को भी नहीं पता है, बच्चों को भी नहीं है, बट जो खुद के साथ जो कनेक्ट हो पाते हैं, खुद के अंदर, खुद के नेचर के साथ, ओके, सो धीरे धीरे जो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो हमारे अंदर या बच्चों के अंदर एंटर होता है. सो ये सब जर्नी है योग की, कि हम कैसे ये सब जो प्रॉब्लम्स है आजकल बच्चों को, प्रैक्टिकली उसको डील कर पाए. और एक ब्यूटीफुल योग का रोल है फॉर स्पेशल किड्स. ओके, हमने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है जो उनको कुछ ना कुछ स्पेशल, दे आर स्पेशली एबल्ड, और उनमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो योग में उससे भी हम डील कर पाते हैं, एटलीस्ट उसको सक्सेसफुली हैंडल कर पाते हैं. जैसे कि कोई ADHD है, या जो बच्चे ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ओके, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल है योग का, कि हम बच्चों में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, जो कॉमन इश्यूज बच्चों में, ऐसे बच्चों में होते हैं, बहुत सारे डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, ओके, उनको ब्रीदिंग के ट्रबल होते हैं, देन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस, ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि वो लोग बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, तो ये सबको भी धीरे धीरे करके योग से टैकल किया जा सकता है. देन योग में बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है फूड का. ओके, जो हम लोग योगिक फूड की बात करते हैं, क्योंकि आजकल फूड इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन एनी पेरेंट्स लाइफ, क्योंकि बच्चा खाता नहीं है, हेल्दी नहीं खाता है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, वजन ज्यादा है या वजन बहुत कम है, बढ़ नहीं रहा है. सो ये सभी इश्यूज अगर बचपन से उनको राइट वे में ट्रेन किया जाए, ओके, क्योंकि एक एज तक आप बच्चों में बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट, चेंज कर सकते हैं, बट एक बार वो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस हो गई तो उसके बाद द डेवलपमेंट विल ऑल्सो बी स्लो, एंड उसमें चेंजेस भी बहुत स्लो दिखेंगे. ओके, मतलब एफर्ट्स भी आप लेंगे तो उसको तुरंत चेंज नहीं कर पाएंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर, जितना अर्ली हो सके. एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रंस लाइफ, क्योंकि योग एक इट इज अ वेरी होलिस्टिक थिंग, जिसमें फूड, ब्रेथ, आसन, ये सभी चीजें, एंड योग में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे फोकस होता है, बट बच्चों के लिए वो प्ले वे फॉर्म में होगा. ओके, ज्यादा ज्यादा एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में,
तो ये एक आर्ट है जो हम बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड देन आजकल बच्चों में भी एज अ करियर ऑप्शन योगा का भी बहुत ही पॉपुलर है। मतलब पहले बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे करियर में, बट राइट नाउ योग एज अ करियर अगर वो बच्चों को आप पहले से ही इंट्रोड्यूस कराओगे ये सब चीजों से, सो दे कैन बी अ सक्सेसफुल योगा टीचर ऑल्सो। ओके, लाइक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड नाउ देर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटी योग और योग एज अ करियर के वो लोग बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। ओके, उनको योग में बहुत इंटरेस्ट है। सो अगर ये अगर योग योग का प्रैक्टिकल पार्ट के साथ अगर उनको योग की फिलॉसफी, योग की थियोरी, ये सब का जो ब्लेंड मिलता है अगर पहले से ही मिलता है, तो दे कैन बी अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल योगा टीचर एंड दे कैन ऑल्सो इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्म सो मेनी अदर लाइफ। और योग का सबसे बेस्ट ब्यूटी ये है कि जो सिखाता है उस पे तो उसको मतलब जिसको सिखाते हैं उस पे बेनिफिट तो उनको बहुत सारे मिलते हैं, बट आपके ऊपर भी वो छीटे गिरते हैं। ओके, सो यू कैन बी ऑल्सो इंडल्ज इन द हेल्थ करियर। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन एट दैट टाइम, एट राइट टाइम, कि वो लोग ये अगर ऑप्शन को अडॉप्ट करना है तो भी कर पाए। ओके, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप आपके बच्चों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे एक राइट गाइडेंस के फॉर्म में, या आप खुद सीख के उनको सिखाइए, या राइट जो गाइडेंस जहां से मिल रहा है वहां पे आप उनको एनरोल कीजिए, बट मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग दिस योग एज अ गिफ्ट इन देयर लाइफ, जो उनको बहुत ही आगे बहुत बहुत बेनिफिट्स है उसके, जो बहुत आगे उनको ले जाए एज अ ह्यूमन बीइंग। इट इज द नेसेसिटी एंड एज टूडेज प्रॉब्लम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विद दिस आई स्टॉप माय थियोरी क्लास के योग के जो बेनिफिट्स हैं, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं आज। ओके, जो हम लोग करने वाले हैं योग के लिए, मैं आपको अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप अपने देख रहे हैं, तो मेक श्योर आपके बच्चे मैट हैं तो मैट पे, अदरवाइज जस्ट जस्ट दे कैन कम, वी विल हैव अ फनफुल योगा क्लास दिस हाफ एन आवर, कि आप बच्चों में क्या क्या चीज करवा सकते हो एंड बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उसका एक झलक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस। ओके, सो हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आप बच्चों को रेडी कर दीजिए और हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो कीप कनेक्टेड विद अस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो किड्स, नमस्ते। सो हम लोग योग के सेशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग सीधे बैठेंगे, सबसे पहले बैक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर रिलैक्स्ड, आपकी आंखें धीमे से बंद, आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग के ऊपर। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, आप नॉस्ट्रिल के वहां पे एक फिंगर रख सकते हैं बच्चे सभी, टू फील योर ब्रेथ, आपके नाक से गर्म हवा आ रही है उसके फील करेंगे। धीमे से आंखें खोलेंगे। अभी हम लोग जो सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो 3 राउंड मकार से करेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको आपके नेवल से लेके आपकी सांस को लेना है। सो कैसे लेंगे हम लोग, इनहेल बोलते हैं इसको। सो हम लोग इनहेल करेंगे और जब भी हम सांस बाहर निकालेंगे, ओके, तभी हमको क्या करना है, मुंह बंद करके ऐसे उच्चार करना है। ओके, ऐसे चांट करना है। सो क्या करना है, हमको नेवल से लेके इनहेल करना है नाक तक एंड फिर
फिर मुंह बंद करके हवा जब भी छोड़ेंगे तभी आप यहाँ पे फील करना, गर्म हवा नाक से बाहर आनी चाहिए. ओके, सो दैट इज अ राइट वे, आप प्रॉपर कर रहे हो. एंड जब भी नाक से बाहर हवा आएगी मुंह बंद करके आप अपने जितनी सांस ली है उसको छोड़ते हुए उतना ही बोलना है. ओके, हमको साउंड लंबा नहीं निकालना है, जितनी सांस ली है उतना ही छोड़ते हुए हमको मकार करना है. ओके, सो रेडी हो जाएंगे. अगेन, बैक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर रिलैक्स्ड, आंखें बंद, नाभि से, नेवल से इनहेल. इनहेल, इनहेल, आंखें बंद ही रखेंगे. अभी क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को घिसेंगे, पामिंग करेंगे, गरम 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 गरम. अभी आंखों पे फील कीजिए कितना गरम हुआ, फील द वॉर्म्थ. अभी पूरे फेस पे लगाएंगे, अप्लाई ऑन योर फेस. अभी आंखें झपकाते हुए धीमे से आंखें खोलेंगे. फीलिंग फ्रेश, आर यू फीलिंग ओके? सो लेट्स गेट रेडी फॉर आर फन फिल्ड क्लास. ओके, अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक रूल बता दूं. ओके, कि हम लोग जब भी नाक में से, कभी भी नाभि से, नेवल से ऊपर हवा लेते हैं उसको बोलेंगे इनहेल. ओके, हम जैसे सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेल. और जब भी हम सांस को छोड़ते हैं, ओके, जब भी आपको यहाँ पे गर्म हवा फील होती है, ओके, तभी उसको बोलते हैं एक्सहेल. ओके, सो जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, आसन करेंगे, एंड व्हेन आई से इनहेल तो आपको तभी सांस लेनी है, और जब भी हम एक्सहेल बोलेंगे तभी सांस छोड़नी है. ओके, एंड जब भी हम कोई भी चीज करेंगे तो हम लोग 100% बाहर रह के करेंगे. ओके, हम लोग जो भी कर रहे हैं हमारा ध्यान पूरा वहां रख के करेंगे. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक गेम से शुरू करते हैं. ओके, आपको क्या करना है, आपके जो फिंगर्स हैं, ओके, सो हम लोग पूरा दिन मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे देखते रहते हैं, हाथ में उंगलियां चलती रहती है, बहुत लिखते हैं तो उंगलियां दुख जाती है, राइट? सो हमको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आप ये रोज भी कर सकते हो. ओके, आप जब भी आपको लगता है हाथ दुख गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको उंगलियों को स्ट्रेच करना है, फिर उसकी मुट्ठी बनानी है. स्ट्रेच करना है, मुट्ठी बनानी, स्ट्रेच करना है, मुट्ठी बनानी है. ओके, करिए. वेरी नाइस, सुपर, यस. अभी इसको हम लोग एक गेम फॉर्म में करते हैं. क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए. ओके, और कौन कर पा रहा है मेरे को देखना है. सो आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रेच आप कर रहे हो ना, ये सेम करना है, बट आपको क्या करना है, बड़े बच्चे अगर कर रहे हैं मेरे साथ तो बड़े बच्चे भी कर सकते हैं. क्या करना है, आपको मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है. ओके, ये तो एक हो गया जो आप कर रहे हो. अभी जो ट्विस्ट है, आपको ये करना है कि आप जब भी मुट्ठी बंद करोगे आपका एक अंगूठा अंदर जाएगा और एक अंगूठा बाहर रहेगा. ओके, और आपको ऑल्टरनेट करना है. कैसे करना है, खोलेंगे तो ये दोनों अंदर नहीं जाने चाहिए. ओके, हमने मुट्ठी खोला, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर. ओके, एक बाहर एक अंदर, ऑल्टरनेट. अभी ये बाहर है, ये अंदर, दोनों नहीं जाने चाहिए. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, वन इन वन आउट. ओके, वन आउट वन इन, दोनों नहीं जाने चाहिए. ठीक है, सो हमको ये ट्राई करना है, ये वाला गेम, कि हम लोग कैसे कर पाते हैं. ओके, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर. पहले आपको स्लोली करना है तो आपको आएगा, एकदम स्लोली कीजिए. ओके, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फास्ट भी कर पाओगे. एक अंगूठा अंदर एक बाहर. ओके,
फाइन, सो ये वाला आप कर सकते हो जब भी आपको लगे कि आपको स्ट्रेच करना है और मुट्ठी बंद करना है। देन अनदर हम लोग और एक छोटा, क्योंकि हमको बहुत ही हम नीचे झुकते रहते हैं तो नेक दुखता है, शोल्डर दुखता है, बैक दुखता है। ओके सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले शोल्डर पे हाथ रखेंगे, इसको हम लोग एल्बो को टच करेंगे, इनहेल कीजिए, सांस लीजिए पीछे जाके, एक्सहेल। ओके इनहेल पीछे जाके, एक्सहेल, इनहेल पीछे जाके, एक्सहेल। अभी उल्टा करेंगे, ओके हमने क्लॉकवाइज किया, अभी उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वाओ वेरी नाइस। ओके अभी हमको और एक चीज करनी है, क्या करना है हमको, तो हमारे हाथ को सामने रखना है, ओके उसको हमको शोल्डर पे रखना है, स्ट्रेच योर हैंड एंड पुट इट ऑन योर शोल्डर, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड पुट इट ऑन योर हैंड, स्ट्रेच एंड पुट इट ऑन योर हैंड, ओके रिलैक्स, वेरी नाइस। लास्ट और एक नेक के लिए, तो हमको क्या करना है, हमको ऊपर देखना है, लुक अबाव, धीरे 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 नीचे देखना है, वापिस डू इट वेरी स्लोली, ऊपर देखिए, वापिस नीचे देखिए, ओके अभी सेंटर में देखिए। ओके अभी हम लोग को आपके बाजू में राइट एंड लेफ्ट कोई बैठा है अगर, तो उनको देखना है, कैसे देखेंगे, अपने राइट में कौन बैठा है उसको देखिए, हाय, सेंटर, आपके लेफ्ट में कौन है, हेलो, सेंटर, ओके राइट में स्माइल ऑन योर फेस, सेंटर एंड लेफ्ट में एंड सेंटर, वेरी गुड। ओके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, और एक मस्त वाली गेम खेलने वाले हैं। ओके सो उसके पहले आपको क्या करना है, हम लोग है ना थोड़ा एक मस्त जंपिंग जंपिंग वाला कुछ करते हैं। ओके सो आपको क्या करना है, आपने फ्रॉग देखा है, फ्रॉग कैसे जंप करता है, ओके एकदम मस्त फ्रॉग बन के हमको जंप करना है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओके आपकी मैट पे आना है, ओके मैट के एक कॉर्नर पे आना है, ओके आपको आपके टूल्स पे खड़ा रहना है, आपके हाथ को फ्रॉग के पैर को रखेंगे नीचे, ओके आपको देखना है कि आप कितने लॉन्ग जंप में मैट के एंड तक पहुंच सकते हो। ओके पहले हम लोग छोटे छोटे लॉन्ग जंप लेंगे, सो पहले छोटा बेबी फ्रॉग है वो थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है लाइक दिस, ओके अभी हमको ऐसे ही रिवर्स जाना है, बेबी फ्रॉग इज एंजॉयिंग, ओके ही इज फीलिंग, सो वो कैसे, ही इज फीलिंग सो हैप्पी, सो अभी उल्टा पीछे जा रहा है, वो मस्ती कर रहा है, बेबी फ्रॉग है तो छोटे छोटे स्टेप्स, ओके पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे, वाह अभी हम लोग बड़े बड़े जंप करेंगे, ओके बड़ा जंप आगे बड़ा जंप पीछे, सो कीप योर हैंड्स, 1 2 3 कम ऑन, बड़े जंप अभी पीछे आ जाएंगे और एक बड़ा जंप, ओके सो हमको
हम लोग धीरे 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 हाथ ऊपर करेंगे। ओके, ट्री स्माइल कर रहा है। ओके, ट्री कितना स्ट्रांग है, उसकी रूट स्ट्रांग है। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर को निकाल देंगे। ओके, हम जब भी ट्री होते हैं, ट्री कैसे होता है? ट्री स्माइलिंग है। ट्री हमको कितनी सारी चीजें देता है और फर्मली रूटेड है। ट्री को कितनी भी हवा आती है तो वो गिरता है, नहीं गिरता है। तो हमको भी एक पॉइंट पे देखना है। ओके, और हमको वैसे ही दूसरे पैर से मेंटेन करना है। ओके, फिर नमस्ते करेंगे। ओके, देन हम लोग हाथ ऊपर रखेंगे, स्माइल करेंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे एंड पैर छोड़ देंगे। ओके, अभी अगर आपके साथ कोई और है, ओके, आपके साथ कोई और पार्टनर है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग है ना मस्त से स्विंग बनाने वाले हैं। ओके, तो स्विंग कैसे बनाएंगे? आप बैठ जाओ। ओके, आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, दीदी के साथ, भैया के साथ, जो भी आपके पास है, दादी के साथ, यस फ्रेंड्स के साथ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो पैर है वो सामने वाले के पैर के साथ आपको टच करने हैं। ओके, फिर आपको हाथ पकड़ना है। ओके, फिर एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर, और आपको स्विंग करना है। सो आप ऐसे पकड़ के रखना है, एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर। ओके, जैसे आपने सीसा देखा है, आगे पीछे आगे पीछे, आपको स्विंग करना है। हो रहा है, वाओ, कीप स्माइल ऑन योर फेस। ओके, धीरे धीरे छोड़ देंगे। वाओ, अभी स्विंग तो हो गया, अभी और एक देखते हैं कि कौन टेबल बन पाता है। ओके, सो टेबल के लिए क्या करना है हमको? ओके, सो हमारे टेबल यहाँ पे है। ओके, आपको मेंटेन करना है, देखते हैं कितने टाइम तक आप करते हो। सो आपको क्या करना है, आप ऐसे बैठे हो। ओके, फिर आपको आपका मिडिल बॉडी ऊपर उठाना है। सो ये टेबल का एक पैर, दो पैर, तीन और चार। ओके, सो टेबल स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर हम लोग अगर ग्लास रखेंगे तो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? सो हमने टेबल के ऊपर ये ग्लास रख दिया है। एंड ओके, सो ये ग्लास मेंटेन रहना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। वेरी गुड, कम डाउन। वाओ, वेरी नाइस। ओके, सो हमारा टेबल रेडी है। अभी आप लोगों ने कभी व्हील देखा है? व्हील व्हील कैसे होता है? ओके, राउंड होता है।
है ना। सो हम लोग अभी एक किसको व्हील आता है, व्हील बनाना। ओके सो व्हील कैसे बनाते हैं, व्हील पोज करेंगे अभी हम लोग। सो आपको क्या करना है, आपको सो जाना है। ओके एंड आपको धीरे 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 आपका हाथ पीछे रखने हैं। ओके आपके शोल्डर कान के वहां पे आपका मिडल बॉडी धीरे 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 उठाना है, उठाना है, उठाना है, उठाना है। ओके सी द व्हील। ओके अभी ये व्हील के नीचे से दूसरा कोई जा भी सकता है। ओके सो अभी दूसरा जन व्हील बनेगा और दूसरे को जाना है, वैसे भी आप कर सकते हो। सो बिकम अ व्हील। ओके उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। ओके रिलैक्स, लाई डाउन, रिलैक्स कंप्लीटली। आपके पेट को देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व योर बेली, आपका पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। सो आपके बॉडी को पूरा जमीन पे रिलैक्स, सुला दीजिए। लेग्स अपार्ट, पैर एक दूसरे से दूर, हाथ शरीर से दूर। आपके जो हाथ है वो ऊपर की तरफ है, पाम फेसिंग द सीलिंग। आपके पाम स्काई को फेस कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं। जस्ट ऑब्जर्व योर बेली, कैसे आपका पेट है वो ऊपर नीचे धीरे धीरे सभी हो रहा है, फास्ट हो रहा था। अभी एक साइड पे टर्न हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। एक साइड पे लेट जाइए। अभी हाथ का सपोर्ट लेके हम आंखें बंद रखते हुए सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। ओके अभी धीरे से आंखें खोलिए। ओके सो हम लोग अभी और एक प्रैक्टिस सीखने वाले हैं, बहुत मस्त गेम है। ओके सो आप ट्राई कर सकते हो। ओके सो आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी टिश्यू पेपर है या कोई भी पेपर है। ओके सो पेपर लेना है, उसको क्रम्बल करना है। ओके उसको क्रम्बल करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसको आपके हाथ के ऊपर रखना है। ओके सो यहाँ पे रखिए। अभी हमको क्या करना है, अगेन नाभि से सांस लेना है। ओके और नाक से ये पेपर को उड़ाना है। ओके यू हैव टू ब्लो फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। ओके सो कीप द पेपर। ओके कोई भी पेपर लेके आइए फटाफट, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। जस्ट ऑब्जर्व आपको क्या करना है, नेवल से आपको इनहेल करना है एंड अभी नाक से, नाक की हवा से इसको उड़ाना है। ओके वापस ट्राई करते हैं। सो कीप दैट पेपर। ओके इसको यहां से डीप ब्रेथ एंड ओके जितनी आप डीप ब्रेथ लेंगे उतना फास्ट होगा, अच्छे होगा। वापस रखेंगे लास्ट टाइम। ओके नाक के बाजू में रखेंगे, यहां से पूरा यहां तक श्वास लेंगे। ठीक है सो ये हम ट्राई करेंगे। सो आप रोज ये कर सकते हो। ओके रोज आप 5 काउंट्स ये पेपर लेके कर सकते हो। ठीक है सो ये एक चीज आप करना। फिर और आप रोज क्या कर सकते हो। ओके सो हमने जो ये स्ट्रेचिंग वाली प्रैक्टिस की, ये आप कर सकते हो।
नेक कभी भी आपको ऐसे लगता है बहुत आपने नीचे देख लिया, पढ़ाई कर ली, सो आप नेक ऊपर नीचे स्लोली एंड राइट एंड लेफ्ट ये वाला कर सकते हो। फिर हमको अच्छे से बैठ के जब भी हमने खड़े होकर स्ट्रेच किया था तो ये वाला स्ट्रेच कर सकते हो, आप टोज पे वॉक कर सकते हो। सो वो भी बहुत मजा आएगा आपको, टोज पे वॉक करेंगे तो ये भी आप कर सकते हो, तो आपके जो पैर के मसल है वो मस्त स्ट्रेच होंगे, आप जब भी ऊपर करोगे टॉल हो जाओगे। सो ये भी आप कर सकते हो। फिर आप एक बैलेंसिंग जो हमने किया था ट्री पोज, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप पहले एक पैर पे खड़े रहो, फिर आप पैर लगाओ, फिर आप नमस्ते करो, फिर आप ऊपर लेके जाओ। सो ये भी आप रोज कर सकते हो। अभी हम लोग एक अभी आसन करने वाले हैं। सो आसन में आप क्या कर सकते हो, सो एक हम पोज करेंगे वो है चक्की चालन। चक्की चालन मतलब क्या, पहले जब भी आटा बनाते थे ना, जो रोटी बनती है जिससे जैसे गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, तो उसका जो आटा होता है तो उसको पहले है ना गांव में ऐसे चक्की में पीसते थे। वो आटा डालते थे, मतलब गेहूं डालते थे और उसको पीसते थे पीसते थे पीसते थे और उसको फाइन पाउडर फॉर्म में बनाते थे। सो वो कैसे पीसते थे पता है? सो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैर को स्प्रेड करेंगे। दोनों पैर को खोल देंगे, फिर हम लोग चक्की के हैंडल को पकड़ेंगे। चक्की के हैंडल को पकड़ा, अभी हमको क्या करना है, वो हैंडल से बहुत मेहनत करनी है, ऐसे ही आटा नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है, राउंड क्लॉकवाइज जाना है। चक्की के हैंडल को पकड़िए, गो क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको ट्राई करना है कि आपको यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए, टोज तक टच होना चाहिए। सो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी फास्ट चक्की पीछे चक्की जा रही है, फास्ट। ओके अभी हम लोग उल्टा चक्की कैसे पीसते हैं पता है? अभी उल्टा फास्ट करेंगे। अभी यहां से यहाँ किया था क्लॉकवाइज, अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सो अभी यहां से शुरू करेंगे एंड अभी उल्टा जाएंगे, कम ऑन फास्ट चक्की। आटा मिल गया। चक्की पीस, चक्की चालन, इसको क्या बोलते हैं, चक्की चालन। क्योंकि हमने चक्की को ऐसे चलाया इसलिए है चक्की चालन। ठीक है, अभी हम लोग और एक मस्त पोज करने आए हैं। सो क्या करना है हमको, अपने बोर्ड को देखिए। सो बोट क्या होती है, हम लोग इसको तो पहले तो हम है ना बोट बनाएंगे, हम लोग खुद बोट बनेंगे। सो बोट कैसे होती है, आपको ऐसे बैठना है सीधा। बैक स्ट्रेट, आपके दोनों पैर सामने हैं और आप ऐसे सीधे बैठे हैं। अभी आपको ये दोनों पैर को ऊपर लेना है। दोनों पैर को ऊपर लेके ऐसे बोट बनानी है। ठीक है, बोट बनानी है, बोट बन गई। सो बोट में आप बैठ गए हो। वापस एक बार बोट बनाते हैं, दोनों को ऊपर लेते हैं। सो हमारी बोट है वो बन गई है। सो बोट बन गई है, अभी हम लोग बोट को चलाने वाले हैं। सो हमको क्या करना है, आप बोट का हैंडल पकड़ लो। पानी में तैरनी चाहिए बोट। सो बोट का हैंडल पकड़ लो, अभी हमको उसको रो करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे और बोट को हम लोग मस्त से रो करेंगे। आगे जाओ, जब भी आगे जाओगे तभी एक्सहेल करना है, सांस निकलेगी। पीछे जाएंगे तो इनहेल करना है। रेडी स्टार्ट। रो 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 योर बोट्स जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मेरिली 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 मेरिली, लाइफ इज बट अ ड्रीम। हैया हो वारा वारा हो, हैया हो वारा वारा हो, रो 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 योर बोट्स जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मेरिली मेरिली मेरिली, लाइफ इज बट अ ड्रीम। अभी हम लोग उल्टी बोट चलाएंगे, बहुत आगे चले गए, थोड़ा पीछे जाएंगे। सो क्या करेंगे, वापस हैंडल पकड़ेंगे, अभी रिवर्स लेंगे। सो हम लोग रिवर्स में बोट चलाएंगे।
आहा, मस्त घूमता ले लिया आज. इनहेल, कैन यू गो बैक, कैन यू गो इन फ्रंट, एग्जेल, ओके, हैया हो, वर वर हो, ओके, वाओ. आपके पेट में क्या होता है, फील कीजिए. आपको क्या बड़ा है, क्या फील हुआ, क्या हुआ आपको पेट में, फील कीजिए. आंखें बंद करके फील करना है. आपको ये रोज करना है. क्या करना है, आपके पैर आप सामने रखेंगे, ओके, दोनों पैर, आपके हाथ साइड में है, ओके, आप ऐसे सीट पे बैठे हैं. फिर आपको क्या करना है, आपका जो पैर है आपको बटक के नीचे डालना है, ओके, फिर उस पे बैठ जाना है. फिर आपका दूसरा पैर है उसको बटक के नीचे डालना है, ओके. तो हम लोग दोनों पैर के ऊपर बैठ गए ऐसे. ऐसे हम लोग बैठे हैं, इसको बोलते हैं वज्रासन. और वज्रासन कभी करते हैं पता है, खाना खाने के बाद, ओके. नहीं तो सभी योगा हम लोग को खाना खाने के पहले करना होता है, बट वज्रासन एक ही पोज है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं. तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, ओके. खाना खाने के बाद आपको पेट भी नहीं दुखेगा. ऐसे आपको रोज ध्यान रखना है. बच्चे लोग, अगर मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको करवाना है, ओके. आप उनको बोलिए कि रोज ऐसे वज्रासन में से वापिस हम पैर निकालेंगे और सुखासन में आ जाएंगे. व्हाट इज सुखासन? दिस इज इजी पोज, जो हम लोग क्रॉस करके बैठते हैं ना पैर, ओके. दिस इज इजी पोज, सुखासन, ओके. बहुत कंफर्टेबल पोज है, इसको बोलेंगे सुखासन, ओके. फिर अभी लास्ट हम लोग क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे, ओके. एंड देन वी विल एंड विद वन ब्राह्मरी. तो आपको एक गेम में क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके हिसाब से आपको एक्शन करनी है, ओके. सो ये क्या है, ओके, ये एक्शन का नाम है इडली, ओके. देन दिस इज डोसा, ओके, एंड दिस इज जूस. ब्रेकफास्ट में खाते हो, कभी खाते हो, इडली, डोसा, जूस. यू हैव टू यूज ओनली वन हैंड, ओके. सब लोग रेडी हैं गेम के लिए, ओके. हाथ एक ही यूज करना है, बी अलर्ट, मिस्टेक होगी तो खुद ही करेक्ट करना. आप देखो कितनी मिस्टेक हो रही है, ओके. जो ज्यादा ध्यान से करेगा उसकी कम मिस्टेक होगी, ओके. इडली, डोसा, जूस, जूस, इडली, डोसा, डोसा, जूस, इडली, डोसा, जूस, जूस, डोसा, इडली, इडली, डोसा, जूस, जूस, इडली, डोसा, डोसा, इडली, तू, जूस, डोसा, इडली, 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 जूस, डोसा, डोसा, इडली, जूस. ओके, सो देखो आप कि कितनी मिस्टेक हुई, ओके. सो आप कितना अच्छे से कर पा रहे थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा. सो ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं जो हम लोग खेल सकते हैं, ओके. सो आप लोग रोज योगा करिए, ओके. आपने जो जो चीजें सीखी है, बहुत थोड़ी चीजें सीखी है आज, बट वो आप ट्राई कीजिए कि आप रोज करेंगे, ओके. आपके फ्रेंड्स को भी सिखाएंगे, आपके मम्मी पापा के साथ एटलीस्ट आप वज्रासन करेंगे, ओके. आप अपने दादा दादी को भी करा सकते हो. जिसको भी नी का पेन नहीं है वो सभी बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, ओके. तो आप जिस जो हेल्दी हैं, जिसको नी का, घुटनों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सब वज्रासन कर सकते हैं, ओके. अभी लास्ट हम लोग वापस म से बंद करेंगे, ओके.
सो ये जो म है, बरा देखा है आपने, बी बी कैसे होता है, वो जब एकदम क्वाइट प्लेस में जाते हो कैसे आवाज करता है, सो हम लोग ऐसे भंवरे के जैसे आवाज करने वाले हैं, आंख बंद करके और उसके वाइब्रेशन फील करने हैं. सो अगेन सिट स्ट्रेट, बैठना ऐसे ही है, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड, सांस लीजिए और भवरे का आवाज करेंगे मकार. इनहेल, सांस लीजिए, आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों पाम को रब करेंगे, गरम 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 गरम, स्माइल ऑन योर फेस, आंखों पे लगाएंगे, बॉडी को फील करेंगे, फील द वॉर्म, डार्कनेस को फील करेंगे, अंधेरे को फील करेंगे और धीरे से हाथ को हटाएंगे और आंखें झपकाते हुए, ब्लिंक करते हुए आंखें खोलना है. सो थैंक यू सो मच. आप रोज योगा कर रहे हैं, हेल्दी रहिए, कीप स्माइलिंग, फिट रहिए और सबके आपके सभी फ्रेंड्स को सिखाना है. जो आज आपने ये वाली गेम की, ये भी सिखानी है, किससे हो रही है, आप जब भी मेरे को मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मेरे को ये करके दिखाना किससे हो रहा है. अंगूठा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है. और जब भी आप खड़े होंगे तो कैसे खड़े होना है, आपके क्रॉस लेग है, आपको हाथ ऊपर करने हैं, हाथ नीचे नहीं रखने हैं, 1 2 3 एंड आपको ऐसे खड़े होना है. बाय बाय, टेक केयर, टाटा.